नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदेश की रसोई चैनल में। आज लेकर आई हूँ मैं बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाने में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगी। एकदम मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका बेसन का हलवा है जो एकदम दानेदार बनकर तैयार होगा। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने एक बाउल में बेसन लिया है, एक कटोरी के आसपास है। तो आपको एक किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर लेना है, कटोरी, गिलास, कप या कोई भी चीज़। और मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर, इसमें डालेंगे घी। यहाँ पर जितना बेसन लेना है आपको उतना ही घी डालना है। इस चीज़ का आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। मैंने जितना बेसन लिया है उससे थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि मैं इसमें बाद में घी है जो बाद में डालूँगी थोड़ा सा। तो ये देखिए, पहले इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है ना, अब डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच और घी। तो अब ये जितना बेसन है उतना घी हो जाएगा। 2 चम्मच और डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और इसे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम है जो बिल्कुल मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर बेसन को नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा, हो जाएगा बेसन जल जाएगा और इसका टेस्ट है जो चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखना है। और इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू। देखिए, आपको ये एकदम हार्ड हार्ड लग रहा है ना, लेकिन इसे चलाते रहेंगे ये एकदम लिक्विड हो जाएगा। बेसन जैसे जैसे पकता जाएगा, घी है इसमें, अपने आप ही निकलने लगेगा। और इसको टाइम लगेगा बेसन पकने में। साथ ये देखिए, मैंने जिस बर्तन से बेसन लिया है उसी से जितना बेसन लेना है उसका डबल पानी ले लेना है। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी ले लिया है। और अब इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पर जितनी बेसन डाला है उतना ही चीनी डाल लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा कम मीठा डाला है। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप पूरा पूरा मेजरमेंट रखिए, जितना बेसन उतना ही चीनी। तो ये देखिए कैसे लिक्विड हो गया है, अब ये पक गया है बेसन। तो इसका थोड़ा सा कलर और चेंज कर लेंगे इधर। इसको चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस चीनी घुल जाए, बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये देखिए, बेसन है अच्छे से पक गया है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से, और इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू। गैस का फ्लेम अभी मीडियम ही रखना है। तो इसे चलाते रहेंगे, ये एकदम एक ठीक हो जाएगा। तो इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू। आप वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, तभी अब आप हलवा बनाएंगे तो एकदम अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, आपको इसमें कोई कोई गुठली नज़र आ रही है, लेकिन ये गुठलियाँ नहीं हैं। इसको एकदम लगातार चलाते रहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं नज़र आएगा। ये देखिए, देखते ही देखते कैसे कढ़ाई छोड़ने लगा ये। और ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें 1/2 चम्मच घी और डाल लेंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हलवा कढ़ाई में लग गया है तो ये अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। और ये हलवा है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, अगर आप इस तरीके से बेसन का हलवा बना रहे हैं तो। तो मैंने 1/2 चम्मच घी डाला है, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, इस घी को डालने से आपको एकदम नज़र आ रहा है, ये देखिए कढ़ाई को कैसे छोड़ने लगा है। और ये एकदम दानेदार बनकर तैयार होगा। अगर आप बेसन को सही पका लेते हैं तो आप समझो कि आपका हलवा एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो इसमें थोड़े से मैंने डाले हैं बादाम और पिस्ता, 5 से 7 बादाम और 5 से 7 पिस्ता काट कर मैंने ऊपर से डाल दी है इस तरीके से, और फिर से मिक्स कर दिया है। तो बेसन का हलवा बनाना बहुत ही सिंपल है। बस बेसन को क्या करना है, कम फ्लेम पे भूनना। बेसन भूनने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं कम फ्लेम पे भूनेंगे तो। और ये देखिए, हलवा एकदम अच्छे से बनकर तैयार है। ये देखिए, जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही बना है। अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर छोड़ें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हलवा है जो एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। और ये देखिए,
देखने में ही हलवा कितना अच्छा लग रहा है तो खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप भी एक बार इस तरीके से बेसन का हलवा है ज़रूर से बनाकर खाएं। तो मैंने इनको निकाल, अगर आप चाहे ऊपर से भी इसको डेकोरेशन कर सकते हैं काजू बादाम पिस्ता से, लेकिन मैंने इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आप भी एक बार ज़रूर से बनाकर खाइए, सब आपकी तारीफ़ करेंगे।